हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएसएन क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि आज भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश, ठीक है, जो हमारा 10वां वीडियो है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? पलामू के रक्सेल वंश तक, ठीक है। और आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो सिंहभूम के सिंह वंश से, ठीक है। तो चलिए, बिना देर किए हम क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बातचीत करके फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो देखिए, ये जो सिंहभूम का जो सिंह वंश है, इसका अगर क्षेत्र की बात करें, इसे हम दूसरे पेन से दिखा लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो एरिया है, कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए, अभी ये जो आप मानचित्र देख रहे हैं ना, ये वर्तमान का है, ठीक है। जब स्टार्टिंग में जो आपका मध्यकालीन जो चल रहा था, उस समय यहाँ पे ये जो एरिया था ना, ये सब नहीं था, यहाँ पे कुछ चौड़ा था आपका, ठीक है। तो इसमें वीडियो में बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, उसे क्या होता है ना कि ज़्यादा देर स्टूडेंट लोगों को भी प्रॉब्लम होता है इस तरह में देखने में, इसके वजह से मैंने नया वाला ही मैप लगाया है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इसका जो एरिया है वो कहाँ था। तो इस जगह पे, ठीक है, या इसका, एक मिनट, ये जो पूरा एरिया हम कह सकते हैं, ठीक है, तो ये सिंहभूम का कौन सा था, ये सिंह वंश का यहाँ पे शासन चल रहा था, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सिंहभूम का जो नामकरण है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सिंहभूम का नामकरण, सिंह बोंगा के ऊपर हुआ है, ठीक है। सिंह बोंगा जो क्या होते हैं, तो ये रहते हैं आपके कौन, तो हो जनजाति के देवता होते हैं, हो जनजाति के देवता, ठीक है। इन्हीं के नाम पर क्या होता है, तो सिंहभूम का क्या होता है, नामकरण होता है, ठीक है। आपने बुक ये सब में देखा होगा कि जो सिंह वंश है, ये अभी हमको, हमें क्या पढ़ना है, सिंह वंश पढ़ना, ठीक है। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो सिंह वंश की जो जानकारी है हमें, सिंह वंश का एक ग्रंथ है जिसे क्या कहते हैं हम लोग, वंश प्रभा लेखन। क्या कहते हैं? वंश प्रभा लेखन, ठीक है। तो इसी के थ्रू हमें क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है, किसकी, तो सिंह वंश की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये क्या है, सिंह वंश का ग्रंथ है, क्या है, सिंह वंश का ग्रंथ, ठीक है। इसी के थ्रू हमें क्या प्राप्त होता है, तो सिंह वंश की जानकारी प्राप्त होती है, कौन से ग्रंथ से, तो सिंह वंश प्रभा लेखन से, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सिंह वंश था, ये दो शाखाओं में बटा हुआ था, ठीक है, प्रथम शाखा और द्वितीय शाखा। तो अगर बात करें कि प्रथम शाखा के जो संस्थापक थे वो कौन थे, संस्थापक कौन थे, काशी नाथ, ठीक है। इसका, इनका जो शासन है वो प्रारंभ कब हुआ था, शासन प्रारंभ कब हुआ था, 8वीं सदी, 8वीं सदी, ठीक है। और इनकी शासन की समाप्ति कब हुई, 13वीं सदी में, ठीक है। देखिए, ये जो काशीनाथ थे, जो संस्थापक थे, तो जैसे सिंहभूम में कौन आएंगे, तो सिंह वंश के लोग आएंगे, कौन आएंगे, सिंह वंश के लोग। तो ये जब क्या करते हैं कि सिंहभूम क्षेत्र में जब प्रवेश करते हैं, तो वहाँ दो जनजातियाँ होती हैं, एक क्या क्या, तो एक भुइयाँ होती है, भुइयाँ, और दूसरा जो होता है वो सरक, ठीक है। भुइयां और सड़क लोगों से क्या होता है ना कि ये अपने संपर्क बनाते हैं, ठीक है। तो कौन, ये जो सिंह वंश के जो लोग रहते हैं, वो भुइयां और सड़क लोगों से, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि भुइयां और सड़क लोगों से सिंह वंश के लोगों ने, सिंह वंश के लोगों ने संपर्क बनाए और उनके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया,
ठीक है, इन्होंने तो सिंह वंश के लोगों ने, ठीक है। देखिए आगे देखिए कि ये जो सिंह वंश के जो लोग होते हैं, प्रारंभ में छोटा नागपुर के जो शासक होते हैं उनके अधीन काम करते हैं, ठीक है। जो सिंह वंश के, सिंह वंश के शासक पहले छोटा नागपुर, छोटा नागपुर के शासकों के, शासकों के अधीन, शासकों के अधीन क्या कह सकते हैं कि शासकों के अधीन कार्य करते थे, कार्य करते थे। बाद में वे, बाद में वे स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे, ठीक है। वो क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि छोटा नागपुर के शासकों के अधीन ही कार्य करते थे, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वे जो हैं वो स्वतंत्र रूप से बाद में क्या करते हैं, शासन करने लगते हैं। तो स्वतंत्र रूप से अगर शासन करेंगे तो उसी दौरान इन्होंने क्या कर ली, तो दूसरी शाखा की स्थापना भी कर ली, दूसरी शाखा की स्थापना भी कर ली, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे जैसे बताया है कि इसकी क्या थी, तो दो शाखाएं थी, एक प्रथम शाखा और दूसरा द्वितीय शाखा, ठीक है। तो प्रथम शाखा के संस्थापक कौन हुए, काशीनाथ, कौन हुए, काशीनाथ, ठीक है। और अभी जो हम पढ़ेंगे वो द्वितीय शाखा के बारे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखें, द्वितीय शाखा के जो संस्थापक हुए वो कौन हुए, तो दर्प नारायण सिंह, दर्प नारायण सिंह, ठीक है। और इन्होंने द्वितीय शाखा की स्थापना कब की, 1205 में, कब की, 1205 में, ठीक है। इसी के एक शासक हुए कौन, तो युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, ठीक है। इसी के अगले शासक कौन बनते हैं, तो काशी राम सिंह, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया, तो राजधानी इस, एक मिनट, यहाँ पे मेरा फोटो आता होगा आप लोगों को दिखता नहीं होगा, मैं इसे इधर लिख देती हूँ, ठीक है। काशीराम जो थे इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया, तो राजधानी पोरहाट को बनाया, किसे बनाया, पोरहाट को, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। देखिए इसमें जो ये द्वितीय शाखा है इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पूछ सकता है कि सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना किसने की थी, दर्प नारायण सिंह ने, स्थापना कब हुआ था, 1205 में, ठीक है। और अगर इसी में पूछा जाए कि सिंह वंश की जो दूसरी शाखा थी उसमें जो काशीराम सिंह थे इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया, तो पोरहाट को बनाया, किसे बनाया, पोरहाट को, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि काशीराम सिंह के बाद जो अगला शासक आता है वो कौन आता है, तो अगला जो शासक आएगा वो आएगा अच्युत सिंह आएगा, कौन आएगा, अच्युत सिंह, ठीक है। ये क्या करते हैं, तो कुल देवी के रूप में, एक मिनट यहाँ पे मैं इस तरह का साइन बना देती हूँ ताकि आपको पता चले कि इन्होंने कौन सा कार्य करवाया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, तो कुल देवी के रूप में, कुल देवी के रूप में पौरी देवी की मूर्ति, पौरी देवी की मूर्ति की मूर्ति स्थापित, पौरी देवी की मूर्ति स्थापित की, ठीक है। और इसके जो अगले शासक आएंगे वो कौन आएंगे, तो त्रिलोचन, त्रिलोचन सिंह, ठीक है। उसके बाद आपके जो आते हैं वो आते हैं कौन, तो अर्जुन, अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह प्रथम, ठीक है। और इसी के बाद जो आपके आएंगे, मैं इसे इधर लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा शायद नहीं, इसे मैं यहाँ पे अलग कर देती हूँ और मैं इसे यहाँ पे लिख देती हूँ। अर्जुन सिंह के बाद आपके जो आएंगे वो आएंगे जगन्नाथ सिंह द्वितीय, ठीक है, जगन्नाथ सिंह
द्वितीय, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने कुछ किया नहीं था, ठीक है। इसके शासनकाल में क्या हुआ था कि जो भुइयां जो जनजाति थी, भुइयों ने इनके विरुद्ध विद्रोह किया था, इनके विरुद्ध विद्रोह किया था, ठीक है। ये जो जगन्नाथ सिंह जो होंगे वो सिंह वंश के 13वें शासक होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 13 जो टोटल जो 13 शासक हुए हैं सभी के बारे आपको क्या पढ़ना है, कि सबके बारे डिटेल पढ़ना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे त्रिलोचन सिंह, तो इनके शासनकाल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसके बारे हम पढ़ें और जो आपके एग्जाम के व्यू से क्या होगा कि इम्पोर्टेंट होगा, वो भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अर्जुन सिंह द्वितीय, इसके बाद में इसमें भी कुछ भी कुछ खास नहीं हुआ है। उसके बाद जो है अच्युत सिंह, उसके बाद नहीं, उसके पहले जो अच्युत सिंह है, ये आपको पूछा जा सकता है कि पौरी देवी की मूर्ति किसने स्थापित की थी, तो किसने की थी, अच्युत सिंह ने की थी, ठीक है, जो सिंह वंश के शासक बने। देख लेते हैं कुछ अगर क्वेश्चन इसे बनेगा तो, ठीक है। और मैंने तो आपको पहले बता भी दिया कि सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना किसने की, दर्प नारायण सिंह ने 1205 में, ठीक है। और एक यहाँ भी मैंने बताया क्या कि सिंह वंश के जो एक शासक बने कौन, कांशीराम सिंह, इन्होंने क्या किया था, तो अपनी राजधानी पोरहाट को बनाया था, ठीक है। चलिए अब हम अगला शासक देखते हैं जिसमें कौन आएगा, तो मानभूम का मानवंश, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मानभूम का जो मानवंश है, एक मिनट, इसका कलर हम क्या करते हैं चेंज कर लेते हैं। इसका जो शासन क्षेत्र था, शासन क्षेत्र कौन सा था, तो हजारीबाग और मानभूम क्षेत्र, हजारीबाग और मानभूम क्षेत्र, ठीक है। देखिए तो ये जगह कहाँ होगा, अभी वर्तमान में हजारीबाग इस क्षेत्र पे है, ठीक है। और इसी से सटा जो आपका यहाँ पे जो धनबाद का एरिया है, ठीक है, वही है क्या वर्तमान में आपका क्या है, मानभूम। वर्तमान में क्या है, ये धनबाद क्षेत्र है ना, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, ठीक है। देखिए इसकी जो जानकारी है, जैसे कि मानभूम के जो मानवंश है उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो हजारीबाग के एक आपने सुना होगा या कभी आपने पढ़ा भी होगा कि दूध पानी शिलालेख, हजारीबाग के दूध पानी शिलालेख, ठीक है। और एक जो आपका आएगा वो 14वीं सदी के गोविंदपुर शिलालेख, गोविंदपुर शिला लेख, ठीक है। इससे क्या होती है, तो हमें मानभूम के मानवंश की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। और ये जो गोविंदपुर शिला लेख है ये किसके द्वारा निर्मित है, तो कवि गंगाधर, कवि गंगाधर द्वारा निर्मित, कवि गंगाधर द्वारा निर्मित, ठीक है। देखिए जो ये दूध पानी शिलालेख है ये हजारीबाग क्षेत्र में मिला, ठीक है। और ये इसका जो बोल सकते हैं कब का है ये, तो ये 8वीं सदी का है, ठीक है। और ये हजारीबाग क्षेत्र का है। और ये जो आपका गोविंदपुर शिलालेख है ये वर्तमान कहाँ का, कहाँ पे मिला था, तो ये धनबाद क्षेत्र पे मिला है, ठीक है, धनबाद क्षेत्र में, ठीक है। और ये कब का है, तो 14वीं सदी का है। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जनजाति हुआ करती थी, उस जनजाति का नाम क्या था, तो सबर नामक एक जनजाति होती थी, ठीक है। सबर, एक मिनट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इस राज्य में सबर नामक, जनजाति जनजाति रहती थी, जो मान राजाओं के अत्याचारों से परेशान होकर, अत्या
चारों से परेशान होकर, परेशान होकर पंचेत, पंचेत भाग परेशान होकर पंचेत क्षेत्र में, पंचेत क्षेत्र में शरण ले लेती है, ले लेती है। ठीक है, देखिए इस राज्य में जो है वो सबर नामक जनजाति होती थी, वो क्या करती है तो वहाँ पे वो रहते थे, ठीक है, लेकिन मानभूम के जो मानवंश के जो राजा थे वो बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी होते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं ये जो सबर जनजाति होते हैं वो पंचेत क्षेत्र चले जाते हैं। ठीक है, पंचेत क्षेत्र में क्या करते हैं वो शरण ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं, अगला क्या है तो रामगढ़ राज्य। ठीक है, तो रामगढ़ राज्य का क्षेत्र कहाँ पे है, ये वाला एरिया हम कह सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट मिलेगा, बस आप समझने के लिए देख सकते हैं कि ये जो एरिया है यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मैम ने यहाँ तक बता दिया और यहाँ हजारीबाग क्षेत्र था, इधर मानभूम था, फिर यहीं पे रामगढ़ है, तो आपको बुक जो है वो लूसेंट का बुक में आपको एक्यूरेट मिलेगा। ठीक है, जो यहाँ पे बना पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे जो है वो बस एक अंदाजा के तौर पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं कि रामगढ़ राज्य में जो है इसके संस्थापक कौन थे, रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे, बागदेव, बागदेव सिंह, बागदेव सिंह। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना जो है वो 1368 ईस्वी में हुई थी, कब हुई थी 1368 ईस्वी में। ठीक है, इसके जो बड़े भाई थे, बड़े भाई उनका नाम क्या था तो सिंहदेव, क्या नाम था, सिंहदेव सिंह। ठीक है, इसके पीछे एक स्टोरी है जो रामगढ़ राज्य के बारे में ही है। ठीक है, देखिए स्टोरी क्या है, तो ये जो दोनों भाई जो होते हैं बागदेव सिंह और सिंहदेव सिंह, ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं ना कि पहले नागवंशी जो शासक थे, जो छोटा नागपुर क्षेत्र पे क्या करते थे, शासन करते थे। ठीक है, तो वो दोनों इनके अधीन ही काम किया करते थे, लेकिन थोड़ा सा जो मतभेद हो जाने के कारण ये क्या करते हैं तो किसी और क्षेत्र में चले जाते हैं और वहाँ पे अपनी शासन व्यवस्था क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि दोनों भाई पहले नागवंशी, नागवंशी राजाओं के यहाँ, राजाओं के यहाँ काम करते थे, काम करते थे, वहाँ मतभेद होने के कारण, इन लोगों ने बड़का गांव के कर्णपुरा क्षेत्र पर, कर्णपुरा क्षेत्र पर अधिकार, कर्णपुरा क्षेत्र को जीत कर, ठीक है, कर्णपुरा क्षेत्र को तो जीत कर 21 परगनों पर, 21 परगनों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 21 परगनों पर क्या करते हैं अपनी अपना अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, और अपनी जो राजधानी है, राजधानी किसे बना लेते हैं तो सिसिया को, किसे बनाते हैं, सिसिया, जो रामगढ़ राज्य की क्या होगी तो प्रथम राजधानी होगी, प्रथम राजधानी। ठीक है, देखिए आप इस स्टोरी को केवल याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपको ये सारा याद रखना है। ठीक है, दोनों भाई जो होते हैं वो पहले क्या करते हैं, नागवंशी शासकों के यहाँ पे क्या करते हैं, काम करते थे, और वहीं पे क्या होता, थोड़ा
मनमुटाव हो जाता है, मतभेद हो जाता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं उस उनको उनके शासन क्षेत्र को छोड़कर वो बड़का गांव के कर्णपुरा क्षेत्र पर क्या करते हैं अधिकार कर लेते हैं, ठीक है, और अपनी जो राजधानी किसे बना लेते हैं तो सिसिया को, ठीक है। ये जो रहते हैं अपनी सुरक्षा की दृष्टि से क्या करते हैं अपनी राजधानी जो है वो बार बार चेंज करते रहते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सिसिया को इन्होंने क्या बनाया था, तो नोट पे आप लिख सकते हैं इसे, एक मिनट, नोट बना के आप लिख सकते हैं कि जो प्रथम राजधानी होती है रामगढ़ राज्य की, प्रथम राजधानी वो क्या होती है, सिसिया, ठीक है। अगला जो है वो क्या बनेगा, तो उर्दा, ठीक है, उसके बाद बादम, बादम के बाद रामगढ़, रामगढ़ फिर इचाक, रामगढ़ के बाद इचाक, और उसके बाद जो है आपकी अंतिम जो राजधानी बनेगी वो पद्मा, ठीक है। ये रामगढ़ राज्य की क्या बनेगी, तो अंतिम राजधानी, ठीक है। मैंने आपको जिस तरह बताया कि सिंहभूम जो है वो सिंहभूम की दो शाखाएं थी, उसी तरह रामगढ़ राज्य की भी कितनी शाखा हुई, तो तीन शाखाएं हुई, ठीक है। रामगढ़ राज्य की, रामगढ़ राज्य की तीन शाखाएं, तीन शाखाएं हुई, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। रामगढ़ राज्य, ठीक है, पहली शाखा, दूसरी और ये तीसरी। पहली जो शाखा है मैंने आपको भी बताया कि जो संस्थापक हुए कौन हुए, बागदेव सिंह, बागदेव सिंह, ठीक है, जिन्होंने अपनी राज्य की स्थापना कब की, तो 1368 में, कब किया इन्होंने, 1368 में। और राजधानी किसे बनाया, सिसिया को, राजधानी किसे बनाया, सिसिया को, ठीक है। उसके बाद तेज सिंह आते हैं, मतलब इसके बाद नहीं, ठीक है, बस समझिए कि जो दूसरी शाखा होती है उसकी स्थापना जो है वो तेज सिंह करते हैं, कब, तो 1772 में। और ये जो है अपनी राजधानी इचाक को बनाते हैं, किसको बनाते हैं, इचाक को, ठीक है। और 18, ये एक मिनट, क्या नाम है उनका, ब्रह्मदेव नारायण सिंह, ठीक है, ब्रह्म देव नारायण सिंह, ठीक है। ये क्या करते हैं, तो 1880 में रामगढ़ राज्य की तीसरी शाखा की स्थापना करते हैं, और इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया, पद्मा को, जो रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी होगी, ठीक है। देखिए ये तो हमने पहले पढ़ लिया, बागदेव सिंह जो रामगढ़ राज्य की स्थापना करते हैं और प्रथम राजधानी किसे बनाते हैं, सिसिया को, ठीक है। ये जो तेज सिंह है इनके पीछे एक स्टोरी है, क्या स्टोरी है, तो देखिए ये जो होते हैं बागदेव सिंह, आपने सुना होगा मुकुंद सिंह के बारे, वो क्या होते हैं, तो बागदेव सिंह का ही एक वंशज, ठीक है, कौन होते हैं, मुकुंद, मुकुंद सिंह, मुकुंद, ठीक है, मुकुंद सिंह क्या होते हैं, इनके वंशज होते हैं, ठीक है। और मुकुंद सिंह के ही रिश्तेदार होते हैं कौन, तेज सिंह, तेज सिंह इनके क्या होते हैं, तो रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, जो तेज सिंह है क्या होते हैं, इनके रिश्तेदार होते हैं, ठीक है। तो ये तेज सिंह का क्या होता है ना कि कोई दूसरा कोई क्या करता है, कान भर देता है क्या, कि आपका जो है वो रामगढ़ राज्य पे क्या है, तो अधिकार है, रामगढ़ राज्य पर अधिकार है, ठीक है, कोई कान भर देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब कुछ का कान भर दिया जाता है क्या, कि आपका भी क्या है, तो रामगढ़ राज्य पे अधिकार है, तो ये इंसान क्या करने लगता है कि रामगढ़ की गद्दी का दावेदार होने का दावा करने लगता है, ठीक है। ये क्या करता है, तो रामगढ़ की गद्दी, रामगढ़ की गद्दी का दावेदार, दावेदार होने का दावा करने लगता है, दावेदार होने का दावा करने लगता है, ठीक है। देखिए जब अब इसका इसके दिमाग में क्या होता है कि ये चीज बैठ जाता है कि ये जो है ये भी रामगढ़ का शासक हो सकता है, ठीक है। तो
इसने क्या किया कि एक आप देखेंगे इसमें झारखंड का जब हम आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि एक कैप्टन केमक नाम का एक अंग्रेज आता है, कैप्टन एक मिनट, कैप्टन केमक ये क्या करता है ना कि इसकी हेल्प करता है ठीक है। तो किस चीज़ में हेल्प करता है, तो रामगढ़ राज्य की जो पद बोल सकते हैं, रामगढ़ राज्य में राजा के पद पर, राजा के पद पर अधिकार अधिकार करने में ठीक है, करने में हेल्प कौन करता है, कैप्टन कैमक ठीक है। किसकी मदद करता है, तेज सिंह की ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, तो मुकुंद सिंह पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, मुकुंद सिंह पर आक्रमण करते हैं ठीक है। और इसी दौरान ये मुकुंद सिंह क्या होता है, तो हार जाता है, मुकुंद सिंह क्या होता है, हार जाता है। कौन कौन आक्रमण कर रहा है, तेज सिंह और कैप्टन कैमक जो है वो मुकुंद सिंह पे आक्रमण करते हैं, और मुकुंद सिंह जो होते हैं वो हार जाते हैं ठीक है। और जो हार जाने के बाद जो है 1772 में, 1772 में क्या होता है कि रामगढ़ राज्य का शासक कौन बन जाता है, रामगढ़ राज्य का शासक कौन बन जाता है, तो तेज सिंह, तेज सिंह। तो ये तो आक्रमण के दौरान हुआ, विधिवत जो है 1774 में ये क्या हो जाते हैं, तो रामगढ़ राज्य के शासक ठीक है, विधिवत रूप से शासक ठीक है। तो ये जो स्टोरी है इसको डिटेल जब हम पढ़ेंगे, तो एक मिनट, जो ये स्टोरी है इसे हम पूरा डिटेल से कहाँ पे पढ़ेंगे, तो जब हम पढ़ेंगे क्या झारखंड का आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे उस समय ठीक है, जब आपका जो ये है अंग्रेजों का जब आगमन होने लगता है ठीक है, उस समय हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो रही थी ये दूसरी शाखा की बात हुई थी ठीक है, जिसकी स्थापना किसने की थी, तेज सिंह ने की थी ठीक है। और अगला जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा, ब्रह्मदेव सिंह, ब्रह्मदेव नारायण सिंह ठीक है, जो तीसरी शाखा की स्थापना करता है ठीक है। देखिए अठारह सौ अस्सी में रामगढ़ राज्य की, रामगढ़ राज्य की तीसरी शाखा की, तीसरी शाखा की स्थापना होती है, तीसरी शाखा की स्थापना होती है ठीक है, जिसके संस्थापक कौन होते हैं, ब्रह्मदेव नारायण सिंह, ब्रह्म देव नारायण सिंह ठीक है। और राजधानी किसे बनाया, राजधानी बनाया पद्मा को, राजधानी किसे बनाया, पद्मा को ठीक है। पद्मा में आपने सुना होगा पद्मा का किले के बारे में ठीक है, या बहुत कोई जो है वो गए भी होंगे ठीक है। तो उसका जो अभी अवशेष अभी भी बचा हुआ है ठीक है, पद्मा के किले के बारे में उसका जो अवशेष है वो भी अभी बचा हुआ है ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है जो पद्मा का किला है, तो वो हजारीबाग से 22 किलोमीटर दूर में है ठीक है, जो NH 33 जो है पद्मा का किला, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हजारीबाग, हजारीबाग से 22 किलोमीटर दूर NH 33, NH 33 मार्ग के किनारे स्थित है ठीक है, मार्ग के किनारे स्थित है ठीक है। देखिए ये जो रामगढ़ राज के जो शासक थे ये इम्पोर्टेंट थे कौन कौन, तो आप तेज सिंह के बारे और तीनों के बारे पढ़ सकते हैं, बागदेव सिंह, तेज सिंह और ब्रह्मदेव नारायण सिंह, तीनों के बारे पढ़ सकते हैं ठीक है। इसी में देखिए 1937 में कामाख्या नारायण सिंह जो है रामगढ़ राज के शासक बन जाते हैं, 1937 में, 1937 में कामाख्या नारायण सिंह, कामाख्या
नारायण सिंह जो है वो रामगढ़ राज्य के, रामगढ़ राज्य के शासक शासक बनते हैं। ठीक है, देखिए 26 जनवरी 1955 में, 1955 वो लिख लीजिए, एक मिनट, 1955 को बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की धारा, सुधार अधिनियम की धारा 3 के तहत रामगढ़ राज्य का अस्तित्व समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कौन सा डेट? 26 जनवरी 1955 का डेट। ठीक है, कि बिहार राज्य का जो अस्तित्व है वो कब समाप्त किया गया? तो 26 जनवरी 1955 को, किसके द्वारा? तो बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 के तहत। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला जो हमारा है राज्य वो कौन सा है? खड़गडीहा राज्य। ठीक है, अगला कौन सा है हमारा? खड़गडीहा राज्य। ठीक है, तो खड़गडीहा राज्य जो है मैप में देखेंगे तो वो कहाँ पे है? तो वर्तमान जो गिरिडीह क्षेत्र है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो एरिया है ना, ये एक्चुअल में यहाँ पे था नहीं। ठीक है, ये अलग उस समय नहीं था। वर्तमान जो मैप है मैंने इसे अभी लिया है, लेकिन आप कुछ और मत समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र था ये खड़गडीहा राज्य है। ठीक है, जो वर्तमान का गिरिडीह क्षेत्र है, वर्तमान गिरिडीह। ठीक है, तो यहीं पे क्या हुआ करता था? तो खड़गडीहा राज्य हुआ करता था, खड़ग डीहा राज्य। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो 15वीं सदी में हुई थी। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे? इसके जो संस्थापक हुए वो हंस राज देव हुए, हंस राज देव। ठीक है, तो इसमें एक चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि जो हंस राज देव थे वो दक्षिण भारतीय थे, दक्षिण भारतीय। ठीक है, ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? तो यहाँ की एक बंदावत जो जाति थी, बंदावत जाति को हरा कर, बंदावत जाति को हरा कर इन्होंने इन्होंने हजारी बाग के बड़े क्षेत्र पर, हजारीबाग के बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ठीक है, ये क्या करते हैं कि यहाँ के बंदावत जाति को हरा देते हैं और यहाँ के हजारीबाग क्षेत्र पर क्या करते हैं? अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, और जैसे किसी किसी का क्या होता है ना, एक मिनट, किसी किसी का क्या होता है कि जैसे अगर उसको अपना क्षेत्र का विस्तार करना है तो वो क्या करेगा? या तो आक्रमण करेगा या किसी दूसरे के साथ क्या करेगा? तो विवाह संबंध स्थापित करेगा, विवाह संबंध स्थापित करेगा। ठीक है, तो जब आक्रमण, ये क्या करता है कि ये आक्रमण नहीं करता है, ये क्या करता है कि बिहार के जो उत्तरी बिहार जो है, उत्तरी बिहार के क्षेत्र में क्या करता है? ये विवाह संबंध स्थापित करता है। किनके साथ? तो वहां के जमींदार जो परिवार होते हैं, ब्राह्मण जमींदार परिवार,
ब्राह्मण, जमींदार, ब्राह्मण, जमींदार, परिवारों से विवाह संबंध किससे स्थापित करता है? तो ब्राह्मण, जमींदार, परिवारों से, ठीक है। और कौन से क्षेत्र से वो होते थे? तो उत्तरी बिहार के होते थे, ठीक है, उत्तरी बिहार से, ठीक है। आपको इससे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आप इसे नोट बना के लिख लीजिए, ठीक है। नोट बना के आप लिख लीजिए कि हंस राज देव, हंस राज देव प्रथम दक्षिण भारतीय, प्रथम दक्षिण भारतीय व्यक्ति था, व्यक्ति था जिसने झारखंड क्षेत्र पर, जिसने झारखंड क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अपना प्रभुत्व स्थापित किया, ठीक है। अगला जो है वो है हमारा क्या, पंचेत राज्य। अगला क्या है? पंचेत राज्य, ठीक है। तो इसका पहले हम एरिया देख लेते हैं कि पंचेत राज्य जो है वर्तमान में कहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या पंचेत राज्य, ठीक है। पंचेत राज्य अभी नहीं है, पंचेत राज्य वहाँ पे क्या होता था, शासन इस क्षेत्र पे होता है। वर्तमान कौन सा क्षेत्र पड़ रहा है? तो ये धनबाद और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है थोड़ा, ठीक है। मतलब उस समय पड़ता था कहाँ पे, धनबाद और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र पर, ठीक है। और वर्तमान का क्षेत्र कह सकते हैं कि अभी धनबाद और पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो ये जो पंचेत राज्य जो होता है ये मानभूम का सबसे शक्तिशाली राज्य होता है, ठीक है। मानभूम का सबसे शक्तिशाली राज्य था, मानभूम का सबसे शक्तिशाली राज्य था, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी? स्थापना काशीपुर नरेश के पुत्र ने, ठीक है। इसके पीछे क्या है, एक स्टोरी है, ठीक है, कि जो काशीपुर नरेश जो होते हैं वो अपनी रानी के साथ कहाँ जा रहे थे? जगन्नाथपुरी जा रहे थे, ठीक है। वहाँ पे यात्रा के दौरान जगन्नाथपुरी जा रहे थे, जहाँ पे रास्ते में ही क्या होता है कि उनकी पत्नी को प्रसव पीड़ा होती है, ठीक है। और उसी रास्ते में उन्होंने क्या किया था, एक पुत्र को जन्म दिया था, ठीक है। और वो उस पुत्र के छोड़ उस जो उसके जो सॉरी एक मिनट उसका जो पुत्र होता है वो उसे छोड़ के उसी क्षेत्र में चले जाते हैं, यानी कि पंचेत का जो क्षेत्र होता है वहीं पे क्या होते हैं, उस अपने पुत्र को छोड़ देते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो पुत्र है यानी कि काशीपुर नरेश का जो पुत्र होता है उसका जो लालन पालन है, लालन पालन यानी कि वो जो पलता है वो कपिला गाय के द्वारा पाला जाता है, कपिला गाय के द्वारा पाला जाता है, ठीक है। तो कपिला गाय के द्वारा पाला जाता है। तो पंचेत राज्य का जो राज चिन्ह होता है, पंचेत राज्य का राज चिन्ह जो होता है वो कपिला गाय का ही, कपिला गाय का पूंछ होता है, ठीक है। ये देखिए काशीपुर नरेश का जो पुत्र होता है उसका जो लालन पालन यानी कि पाला जाता है किसके द्वारा, कपिला गाय के द्वारा, ठीक है। तो उसने क्या किया कि पंचेत राज्य का राज चिन्ह ही क्या रख दिया, तो कपिला गाय का पूंछ रख दिया, ठीक है। और देखिए कि काशीपुर नरेश का जो पुत्र होता है उसे गौमुखी राजा भी कहा जाता है। आप इसे नोट बना के लिख सकते हैं कि थोड़ा पानी दीजिए तो उनको सॉरी
काशीपुर, नरेश, काशीपुर नरेश के पुत्र को गौमुखी राजा, गौमुखी राजा के नाम से, नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा। थोड़ा मेरा गला खराब है। ठीक है, देखिए मैं इसे फिर से आपको समझा देती हूँ। देखिए, ये जो पंचेत राज्य जो होता है वो मानभूम का सबसे शक्तिशाली राज्य होता है। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, दूसरे पेन से देख लेते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो काशीपुर नरेश के पुत्र ने, जिनका जन्म क्या होता है, पंचेत क्षेत्र पे ही होता है। ठीक है, जब काशीपुर नरेश और उनकी पत्नी जो है वो जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए निकलते हैं। ठीक है, और उसी क्षेत्र में क्या होता है, काशीपुर नरेश का पुत्र के काशीपुर नरेश के पुत्र का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, उसे यहीं पे छोड़ के वो क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, और उसी के पुत्र का जो लालन पालन है वो कपिला गाय के द्वारा होता है। ठीक है, कपिला गाय के द्वारा जो लालन पालन होने के कारण ही पंचेत राज्य का जो राज चिन्ह होता है क्या होता है, कपिला गाय का पूंछ। या तो फिर कहीं पे आपको इसका लिखा मिलेगा क्या, कपिला गाय का पूंछ या तो फिर चंवर। ठीक है, इसी के वजह से जो काशीपुर नरेश का जो पुत्र होता है उसे गौमुखी राजा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे जो हमारा वंश आएगा वो क्या आएगा, तो ढालभूम का ढाल वंश। इसका जो क्षेत्र है, हम यहाँ पे ये वाले क्षेत्र पे कह सकते हैं, यही क्षेत्र होता है सिंहभूम का, जहां से क्या होती है, तो अंग्रेजों की आगमन होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। पूर्वी सिंहभूम के, पूर्वी सिंहभूम के पूर्वी सिंहभूम के ढाल भूम, पूर्वी सिंहभूम के ढाल भूम क्षेत्र पर, क्षेत्र पर ढाल वंश का, पूर्वी सिंहभूम के ढाल भूम क्षेत्र पर ढाल वंश का शासन था। ठीक है, यहीं पे क्या होता है, तो आपका जो ढाल वंशी जो शासक होते हैं, ढाल वंशी शासकों के काल, शासकों के काल में नरबलि, नरबलि प्रथा, नरबलि प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, नरबलि यानी कि जो व्यक्ति होते हैं उन्हें बलि दे दिया जाता है। ठीक है, देखिए यहीं पे आपके यहाँ इसमें इसमें ज़्यादा ना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, कि आपको इसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन जैसे ही हम अंग्रेजों के आगमन की ओर बढ़ते हैं, उसी में आपको दो शासक मिलेंगे। कौन? तो जगन्नाथ ढाल, और एक जो मिलेगा आपको ये है नीमू ढाल, जगन्नाथ ढाल और नीमू ढाल। ठीक है, ये दोनों के बारे हमें पढ़ना है कब, जब अंग्रेजों की आगमन होती है, तब अंग्रेजों के आगमन के समय पढ़ना है। अभी इसे पढ़ के फायदा नहीं है क्योंकि हम मध्यकालीन में है। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा शासक होगा वो पलामू का, चेरो वंश होगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि पलामू राज जो है इस जगह पे था। ठीक है, पलामू का चेरो वंश। ठीक है, आपको मैंने बताया था क्या कि पलामू में जो रक्सेल होते थे वो शासन किया करते थे, लेकिन इसे अपदस्थ कर दिया जाता है किसके द्वारा, तो चेरो शासकों के द्वारा, जिसमें आपका एक नाम आता है भागवत राय का, भागवत राय का नाम आता है, मैंने आपको पहले भी ये पढ़ाया है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम देखते हैं क्या कि 1572 में, 1572
ईस्वी में भागवत राय ने चेरो वंश की स्थापना की। चेरो वंश की स्थापना की, ठीक है। किसे हराकर? तो रक्सेलों को हराकर, ठीक है। इसी का एक उत्तराधिकारी आएगा कौन? अनंत राय। इसी का एक उत्तराधिकारी कौन आएगा? अनंत राय, ठीक है। जो क्या होता है? तो जहांगीर का समकालीन होता है, जहांगीर का समकालीन। ठीक है। इसी के समय में बिहार का एक मुगल सूबेदार होता है जिसका नाम होता है क्या? अफजल खां। अफजल खां ये बिहार का मुगल सूबेदार होता है। बिहार का मुगल सूबेदार, ठीक है। ये जहांगीर के आदेश पे क्या होता है? ये अनंत राय के ऊपर क्या करता है? आक्रमण कर देता है। जहांगीर के आदेश पर क्या करता है? ये जो अफजल खां होता है वो क्या होता है? अनंत राय के ऊपर क्या कर देता है? तो आक्रमण कर देता है, ठीक है। तो आक्रमण करने के 2 हफ्तों के बाद ही इसकी क्या होती है? तो इसकी मृत्यु हो जाती है। 2 हफ्तों, 2 हफ्तों के बाद किसी रोग से, उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि अनंत राय के आगे क्या आएंगे, मतलब अनंत राय के जो आगे हैं उत्तराधिकारी कौन आएंगे? तो सहबल राय। सहबल राय, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है? तो शक्तिशाली शासक होता है, ठीक है। शक्तिशाली शासक होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि अपना जो अधिकार क्षेत्र है, या आप कह सकते हैं क्या कि अपना शासन क्षेत्र जो है, शासन क्षेत्र, जो है वो हजारीबाग तक बढ़ा लेता है, ठीक है। शासन क्षेत्र जो है हजारीबाग क्षेत्र तक, ठीक है। ये क्या करता था ना कि जो बंगाल की ओर जो मुगल जाते थे उन्हें क्या करता था? तो लूटा करता था, ठीक है। और इसी बात की जानकारी किसे पर हो जाती है? जानकारी जो है वो जहांगीर को मिल जाती है कि जो सहबल राय है वो क्या कर रहा है। तो बंगाल जाने वाले जो मुगल होते हैं उनको क्या करता था? ये लूटा करता था, ठीक है। तो जब ये बात जहांगीर को पता चलती है तो जहांगीर जो है वो इसे क्या करता है? उसे बंदी बनाने का आदेश देता है। जहांगीर जो है वो सहबल राय को क्या करता है? बंदी बनाने का आदेश देता है और उसे बंदी बनाकर, मुगल दरबार में, मुगल दरबार में पेश किया जाता है, ठीक है। तो पेश करने के बाद इसकी हत्या नहीं की जाती है, लेकिन जो जहांगीर रहता है वो अपने मनोरंजन के कारण, यानी कि थोड़ा सा क्या उसको इंटरटेन हो जाए उसका, ठीक है। तो मनोरंजन के कारण क्या क्या करता है? ये सहबल राय को, एक बाग के सामने निहत्था छोड़ दिया जाता है। मतलब कि इसके हाथ में कुछ भी नहीं होता है कि जैसा कोई ये है, क्या बोल सकते हैं, कोई औजार है, ठीक है, उसके हाथ में, जिससे वो क्या करे कि बाघ के साथ में ये लड़ पाए, ठीक है। और बाघ के साथ इसे क्या किया जाता है? निहत्था छोड़ दिया जाता है, जिसमें क्या होती है? इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसकी क्या होती है? उसे मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये सब आपको पूछा जाने वाला नहीं है एग्जाम में, बस मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि किसके किसके बाद कौन से शासक आए। मेन जो शासक आएगा इसमें मेदिनी राय आएगा, ठीक है। जो आपका ये प्रताप राय, पहले मैं पढ़ा देती हूँ, प्रताप राय के बाद आप बाद में उसका
ये आएगा, एक भोपाल राय आता है ठीक है, और भोपाल राय के बाद में ही मेदिनी राय आएगा, जो आपका एग्जाम के अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है आपका इम्पोर्टेंट है ठीक है। चलिए देखते हैं, धवल राय ठीक है, उसके बाद जो आएगा वो प्रताप राय आएगा, प्रताप राय। ये सहबल राय का क्या होता, उत्तराधिकारी होता ठीक है। इसी के शासनकाल में बिहार का मुगल जो सूबेदार है, बिहार का मुगल सूबेदार अब्दुल्ला खां होता है, अब्दुल्ला खां ठीक है, जिसकी जो टैक्स की जो डिमांड होती है वो कितनी होती है, तो 1,36,000 रुपये, 1 लाख, एक मिनट, 1,36,000 रुपये ही लिख देती हूँ ठीक है। 1,36,000 रुपये क्या होती है इसकी डिमांड होती है, लेकिन ये जो अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा होने के कारण प्रताप राय क्या करता है, इनकार कर देता है कर देने से, प्रताप राय क्या करता है कर देने से मना कर देता है, कर देने से मना कर देता है ठीक है, क्योंकि इसे क्या लगती है, ये जो अमाउंट है वो बहुत ही ज्यादा लगती है ठीक है। तो इसकी इसी के शासनकाल में क्या होता है ना कि दो आक्रमण भी होते हैं, जैसे इसने तो मना कर दिया कर देने से, तो इनके इसके शासनकाल में दो आक्रमण भी होते हैं। तो पहला जो आक्रमण है इसकी मोटाई थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं क्योंकि बहुत ही ठीक है। इसके शासनकाल में क्या होता है ना कि दो आक्रमण होते हैं, जो पहला आक्रमण होता है वो शाइस्ता खां के द्वारा होता है, शाइस्ता खां के द्वारा होता है ठीक है, जो क्या होता है बिहार का मुगल सूबेदार होता है, बिहार का मुगल सूबेदार ठीक है। इसकी जो टैक्स की जो डिमांड होती है वो कितनी होती है, तो 80,000 रुपये, 80,000 रुपये ठीक है, और ये आक्रमण करने के बाद का है ठीक है। और उसके बाद जो आक्रमण होता है वो आपका होता है जबरदस्त खां के द्वारा, जबरदस्त खां के द्वारा ठीक है। तो इसी में एक नाम आप पढ़िएगा क्या, इतिकाद खां, इतिकाद खां ठीक है। तो इतिकाद खां जो है वो बिहार का मुगल सूबेदार होता है, बिहार का मुगल सूबेदार ठीक है। तो पहला बार तो आक्रमण हो गया था ठीक है, जो दूसरा बार जो आक्रमण होता है उसी समय क्या होता है ना कि आपका जो पलामू का जो क्षेत्र है वहां पे इंटरनल आपका डिस्प्यूट होते रहता है, यानी कि अपने आंतरिक उन लोग अपने आप ही उन लोगों का क्या होता है कि झगड़ा होते रहता है ठीक है। तो सत्ता को लेकर क्या चलते रहता है, संघर्ष चलते रहता है, किस में, तो पलामू क्षेत्र में, पलामू में पहले से ही सत्ता को लेकर, सत्ता को लेकर संघर्ष हो रहे थे, सत्ता को लेकर संघर्ष हो रहे थे अतः इतिकाद खां ने जबरदस्त खां को ही पलामू पर आक्रमण करने भेजा ठीक है। देखिए पलामू में पहले से ही क्या होता है, एक मिनट, शायद किसी का कॉल आया है। चलिए देखते हैं हम आगे ठीक है। पलामू पर क्या होता है ना कि आक्रमण करने किसे भेज दिया जाता है, तो जबरदस्त खां को ही ठीक है, वो जो इतिकाद खां जो होता है वो नहीं जाता है ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम, चलिए जब यहाँ पर क्या होता है कि आक्रमण करने के लिए भेज देता है, तो कर के रूप में,
वो 1 लाख, 1 लाख रुपए और एक हाथी, 1 लाख रुपए और एक हाथी क्या करता है, तो कर के रूप में क्या करता है, लेता है, ठीक है। उसके बाद जो अगला शासक बनेगा वो कौन बनेगा, अगला शासक भोपाल राय बनेगा, और अबर जो आएगा मेन शासक वो कौन आएगा, तो मेदिनी राय, मेदिनी राय। और इसी के बारे क्या करना है, तो हमें पढ़ना है, ठीक है, इसी के बारे हमें क्या करना है, तो पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा ये वीडियो जो है थोड़ा ज्यादा लंबा जा रहा है, बस ये लास्ट टॉपिक है, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम कि जो मेदिनी राय जो होता है वो चेरो वंश का बहुत ही ज्यादा वो क्या होता है, शक्तिशाली शासक होता है। और ये क्या करता है कि जैसे ही पद स्थापित, अपना पद जब ग्रहण कर लेता है, उसी के दौरान क्या करता है, इसने मुगलों की अधीनता जो है अस्वीकार कर ली, मुगलों की अधीनता, मुगलों की अधीनता अस्वीकार कर ली, ठीक है। और इसने क्या किया कि कर देने से भी मना कर दिया, कर देने से भी मना कर दिया, ठीक है। तो कर देने से जब ये मना कर देता है, और कर देने से मना करने के बावजूद भी ये क्या करता है कि अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से क्या करता है, अपने आसपास के क्षेत्रों में क्या करता है, ये आक्रमण किया करता था, आसपास के क्षेत्रों में आक्रमण तथा लूटपाट, आक्रमण तथा लूटपाट किया करता था, ठीक है। जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि दोईसा में भी इसने क्या किया था, लूटपाट किया था, जिस समय वहां का जो नागवंशी शासक कौन होता है, रघुनाथ शाह होता है। और इसी लूटपाट के सामान में उसे क्या मिलता है, एक दरवाजा मिलता है, किसका, पत्थर का विशाल दरवाजा मिलता है, पत्थर का विशाल दरवाजा मिलता है, ठीक है, जिसे उसने कहाँ पे लगाया था, तो पलामू के किले में स्थापित किया था, पलामू के किले में लगवाया, पलामू के किले में लगवाता है या लगवाया, ठीक है। और इसी दरवाजे को हम किस नाम से जानते हैं, तो नागपुर दरवाजा या नागपुर द्वार के नाम से, ठीक है। देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया क्या कि ये बहुत ही ज्यादा लूटपाट किया करता था और आक्रमण किया करता था, यही जो बात थी औरंगजेब को पसंद नहीं आई, ठीक है। और औरंगजेब क्या करता है कि बिहार का मुगल सूबेदार होता है कौन, दाऊद खां, बिहार का मुगल सूबेदार कौन होता है, दाऊद खां, उसे आदेश देता है क्या कि मेदिनी राय पे क्या करे, तो वो आक्रमण करे उसके राज्य पर, मेदिनी राय के राज में क्या करे, तो आक्रमण करे। तो मेदिनी राय, देखिए जब दाऊद खां को क्या हुआ कि आदेश मिला किसका, औरंगजेब का, ठीक है, तो मेदिनी राय से पहले वो क्या करता है कि कुंडा का जो शासक होता है, मेदिनी राय से पहले इसने क्या किया, कुंडा के जो शासक होते हैं, कुंडा के जो शासक होते हैं उसे क्या करता है, तो इस्लाम धर्म स्वीकार करवा लेता है, इस्लाम धर्म क्या करता है, स्वीकार कर लेता है, जिसका जो नाम होता है ये आपका कुंडा शासक चुन राय, ठीक है, चुन राय, ठीक है, चुन राय नाम होता है किसका, कुंडा शासक को। और दाऊद खां के द्वारा उसे क्या किया जाता है, तो इस्लाम खां इस्लाम धर्म जो है वो स्वीकार करवा लिया जाता है। तो चुन राय की जो हत्या है वो सुरवर सुरवर राय के द्वारा इसकी हत्या करवा दी जाती है, या हत्या कर दी जाती है, क्यों, क्योंकि जो चुन राय होता है वो क्या करता है, तो इस्लाम धर्म को क्या करता है, स्वीकार कर लेता है, इसकी वजह से इस्लाम धर्म को क्या करता है, स्वीकार कर लेता है। इसी की वजह से जो चेरो जो लोग होते हैं वो, उन्हें जो है ये बात पसंद नहीं आती है, और उनके द्वारा सुरवर राय के द्वारा क्या किया जाता है, तो चुनवर राय की हत्या करवा दी जाती है, ठीक है।
दाऊद खां क्या करता है, मेदिनी राय से भी क्या चाहता था, यही कि ये क्या करे कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करे, ठीक है, मुगलों की अधीनता अधीनता स्वीकार करे, ठीक है, और कर भी दे, स्वीकार करने के बाद क्या करे, कर भी दे, ठीक है, और इस्लाम धर्म को भी क्या करे, तो स्वीकार करे, इस्लाम धर्म को भी, धर्म को भी स्वीकार करे, ठीक है। लेकिन ये जो होता है मेदिनी राय, ये तीनों में से किसी भी शर्त को वो मानता नहीं है। औरंगजेब ने कहा था कि से दाऊद खां को अगर ये तीनों अगर शर्त मान लेता है तो उसे पलामू के क्षेत्र में क्या किया, उसे शासक बना रहने दिया जाए, ठीक है, और ज़्यादा उसे परेशान ना किया जाए। लेकिन ये तीनों में से किसी भी शर्त को नहीं मानता है, ठीक है, और नहीं मानने की वजह से यह क्या होता है, तो युद्ध करना क्या उसे बेहतर लगता है, तो ये युद्ध के लिए क्या होता है, ये राजी हो जाता है, ठीक है। तो युद्ध के दौरान क्या होता है ना कि जब इस पे आक्रमण किया जाता है तो ये ज्यादा देर तो टिक नहीं पाता है मुगलों की सेना के सामने, तो अंततः क्या होता है कि अपने किले से, अपने किले के गुप्त द्वार अपने किले के गुप्त द्वार से क्या होता है, वो भाग जाता है। सुरगुजा क्षेत्र में, ठीक है, गुप्त द्वार के द्वारा वो कहाँ भाग जाता है, सुरगुजा क्षेत्र पर। चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट, सुरगुजा क्षेत्र में भागने के दौरान जो पलामू का जो क्षेत्र होता है वहां पे जो मनकली खां को पलामू का अपने किले के गुप्त द्वार से वो क्या करता है, भाग जाता है। एक मिनट थोड़ा होल्ड कीजिएगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि सुरगुजा क्षेत्र से वो क्या होता है, भाग जाता है, और उसी दौरान क्या होता है कि पलामू के क्षेत्र पर मनखली खां को क्या होता है, फौजदार नियुक्त किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो पत्नी है वो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, मनखली खां को पलामू के क्षेत्र को छोड़ के जाना पड़ता है। जैसे ही पता चलता है किसे, कि मेदिनी राय को पता चलता है क्या कि मनकली खां जो है वो पलामू क्षेत्र को छोड़ के जा चुका है, तो उसी दौरान मेदिनी राय जो है पलामू क्षेत्र पर क्या करता है, अधिकार कर लेता है, ठीक है, और वहां पे क्या करता है कि मुगलों द्वारा जितना भी वहां पे तोड़ फोड़ किया गया था, ठीक है, वो सारी चीजों को वो ठीक करवाता है, कृषि को क्या करता है, कृषि को प्रोत्साहन देता है, ठीक है, कृषि को प्रोत्साहित करता है, ठीक है, वहां की आर्थिक व्यवस्था में भी क्या करता है, सुधार करता है, आर्थिक व्यवस्था में भी सुधार करता है, सुधार करता है, ठीक है। इसी देखिए
कृषि को प्रोत्साहन देता है, ठीक है, और आर्थिक व्यवस्था में भी सुधार करता है, ठीक है, और इसी के वजह से क्या होता है कि उसके क्षेत्र में, उसका जो क्षेत्र है वो विकसित होने लगता है, विकसित होने लगता है, ठीक है। और देखिए, अगर विकास कर रहा है उसका क्षेत्र, तो वहां पे खाने पीने की कमी भी नहीं होगी, उसका क्षेत्र भी क्या होगा कि हर तरफ से क्या होगा, वो संपन्न होगा, ठीक है। तो मेदिनी राय के शासनकाल को, मेदिनी राय के शासन काल को इसी कारण से क्या कहा जाता है, तो चेरो शासन का चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इसकी जो आर्थिक व्यवस्था थी वो मुगलों द्वारा बिगाड़ देने के बाद भी क्या हुआ, तो मेदिनी राय ने उसे ठीक कर लिया, ठीक है। एक मिनट, हर किसी का कॉल आ रहा है, चलिए। मेदिनी राय को भी, मेदिनी राय को 89 राजा भी कहा जाता है, ठीक है, ट्रस्टी किंग, ठीक है, 89 राजा कहा जाता है, ठीक है। चलिए, ये जो था ये हमारा लास्ट था, ठीक है। अब हमें जो पढ़ना है वो मध्यकाल में सल्तनत कालीन जो झारखंड है उसे पढ़ना है, ठीक है। उसका जो वीडियो है आपको कल मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम, ये जो मेदिनी राय था ये लास्ट जो शासक बचता है किसका, पलामू का, ठीक है, पलामू का। चलिए, देखिए, ये जो था हमारा झारखंड का जो क्षेत्रीय राजवंश, ये आज हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश जो है वो हमें आज जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।